हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। आपके एग्जाम के प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स के बारे में, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों में अंतर समझ में आ जाए कि एक शेयर और एक डिवेंचर में क्या अंतर होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो, पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। पर उसके पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा हमारे चैनल के बारे में कि ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबरशिप प्लान लेना चाहते हैं, मैं उनको आज सिंपल सा प्रोसेस बताने वाला हूँ जिसके जरिए वो प्लान ले सकते हैं। आपको करना क्या है, हमारे चैनल पे आना है और आने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस तरीके से ये रेड कलर से आपको दिखेगा, रेड कलर से आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब कर लेने के बाद यहाँ जो बेल आइकन है इसको दबा कर करके इसको ऑन कर लेना है ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए जब भी मैं कोई वीडियो डालूं, ठीक है ना। उसके अलावा आपको जो ज्वाइन वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करके जो हमारा बीकॉम का प्लान है उसे आपको ज्वाइन कर लेना है, जिसके लिए आपको 119 रुपीज जो है पेमेंट करने हैं, जिसमें आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिल जाएंगी। आपको असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपको नोट्स बहुत ही सस्ते दामों पे मिलेंगे, साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो को आपको हमारे चैनल की तरफ से आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये जो सर्विसेज है ये आपको 24/7 मिलेगा जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसके साथ जुड़ जाएं और जो हमारा बेनिफिट है आप उसका फायदा ले पाए, ठीक है ना। उसके साथ में बताता चलूं कि आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आइए। प्लेलिस्ट में अगर आप आकर के स्टडी करेंगे तो आपको सब पूरा का पूरा एक विंडो मिलेगा जहां पे आपको सारे के सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। जो भी आपको पढ़ना होगा आपको बस उसके ऊपर क्लिक करना है और उन सारे वीडियोज को वॉच कर लेना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, मैं चाहूंगा आप इस चीज को पक्का फॉलो करें। चलिए फिर आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स, दोनों में क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि अ शेयर रिप्रेजेंट अ पोर्शन ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी, वेयर एज अ डिबेंचर रिप्रेजेंट अ पोर्शन ऑफ द डेट ऑफ द कंपनी, है ना। जो शेयर जो कैपिटल होता है वो रिप्रेजेंट करता है शेयर को, शेयर रिप्रेजेंट करता है कैपिटल को, सॉरी उल्टा हो गया, शेयर रिप्रेजेंट करता है आपके कंपनी के कैपिटल को। मतलब जब आप एक शेयर खरीदते हो तो आप कंपनी की ओनरशिप खरीद रहे होते हो, है ना। तो शेयर जो है वो कैपिटल को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है, वेयर एज जो डिबेंचर है वो आपकी कंपनी के डेट को रिप्रेजेंट करता है, आपकी कंपनी के ऊपर जो उधार है उसको रिप्रेजेंट करता है डिबेंचर, है ना। अ शेयर होल्डर इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, वेयर एज अ डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। एक शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी का मेंबर होता है, याद रखें कंपनी के अंदर का आदमी होता है भाई, कंपनी का मेंबर होता है। लेकिन एक डिवेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर मतलब वो कंपनी जो कंपनी को उधार में पैसे देता है ना। इसीलिए देखना आपने सुना होगा कि जब भी पैसे चुकाने की बारी आती है तो सबसे पहले डिवेंचर को मिलता है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, फिर जाकर इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो कंपनी का मेंबर है और जो डिवेंचर है वो कंपनी का क्रेडिटर है, ये आपने याद रखना है। तीसरा पॉइंट है, अ शेयर होल्डर एंजॉयज द राइट ऑफ प्रोप्राइटरशिप ऑफ अ कंपनी, वेयर एज अ डिवेंचर होल्डर कैन एंजॉय द राइट्स ऑफ अ लेंडर ओनली, है ना। तो एक शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के ओनरशिप का जो राइट होता है वो उसको एक तरीके से एंजॉय कर पाता है कि वो कंपनी का ओनर है, लेकिन जो डिवेंचर होल्डर होता है वो सिर्फ और सिर्फ एज ए लेंडर ही अपने राइट्स को एंजॉय कर पाता है। उसने पैसे चूंकि कंपनी में लगाए हैं तो वो कंपनी का लेंडर हो गया, तो वो लेंडर के राइट्स को एंजॉय करता है, वेयर एज कंपनी में जो पैसे लगाता है इक्विटी शेयर होल्डर वो कंपनी की ओनरशिप के राइट्स को एंजॉय करता है, ठीक ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फोर्थ नंबर पॉइंट है, अ शेयर होल्डर हैज अ राइट टू कंट्रोल ओवर द वर्किंग ऑफ द कंपनी बाय अटेंडिंग एंड वोटिंग इन द जनरल मीटिंग व्हिच इज सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द कंपनी, वेयर एज डिबेंचर होल्डर हैज नो सच राइट। तो एक शेयर होल्डर के पास एक तरीके से राइट होता है कि वो कंपनी की जो मीटिंग्स है उसके साथ वो अटेंड कर सके। मेरे पास तकरीबन हर एक महीने में दो महीने में मेल आते रहते हैं जहाँ पे वोटिंग करवाई जाती है। मेरे पास HDFC बैंक का शेयर है, मेरे पास टाटा मोटर्स के शेयर है, तो इन सब की तरफ से मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि आप जो है वोटिंग में हिस्सा लें, तो मैं वोटिंग में हिस्सा ले सकता हूँ बिकॉज मैं कंपनी का ओनर हूँ, राइट। मेरे पास भले ही 25,000 रुपए का शेयर हो लेकिन मैं फिर भी उस कंपनी का ओनर हूँ। तो ओनर्स के पास एक तरीके से राइट होता है वोट करने का, बट डिवेंचर होल्डर्स के पास इस तरह का कोई भी राइट नहीं होता है, ठीक है। पांचवा नंबर पॉइंट, अ शेयर होल्डर्स कैन गेट डिविडेंड ओनली इफ देयर आर प्रॉफिट्स, वेयर अ डिवेंचर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट व्हिच इज द कंपनी मस्ट पे वेदर और नॉट देयर आर प्रॉफिट्स टू द कंपनी, है ना। तो एक शेयर होल्डर को डिविडेंड तभी मिलेगा जब कंपनी में प्रॉफिट होगा, लेकिन एक डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट हर हालत में मिलना है, चाहे कंपनी को लॉस हो चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो, डिवेंचर होल्डर जो है उसको पैसे पहले मिलने हैं, है ना। तो डिवेंचर होल्डर यहाँ पे एक तरीके से थोड़ा सा अपर एज में है, लेकिन जब बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा तो उस केस में इक्विटी शेयर होल्डर को ही ज्यादा फायदा होगा, ना कि डिवेंचर शेयर होल्डर को। तो इक्विटी शेयर होल्डर में रिस्क है लेकिन साथ में साथ बेनिफिट भी है, है ना। डिवेंचर होल्डर के लिए रिस्क बहुत ज्यादा नहीं होता और बेनिफिट भी बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है। तो ये पांच पॉइंट्स हो गए, आगे चलते हैं। सिक्स्थ नंबर पॉइंट है, अ डिवेंचर होल्डर गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पेबल ऑन फिक्स्ड डेट्स।
वेयर अ शेयर होल्डर गेट्स डिविडेंड फार हायर इफ द कंपनी अर्न्स गुड प्रॉफिट्स, है ना। तो डिवेंचर होल्डर जो मैंने अभी बताया वही यहाँ पे बात लिखी हुई है कि एक डिवेंचर होल्डर जो होता है वो एक फिक्स रेट पे आपको इंटरेस्ट मिलते रहता है हर एनम के हिसाब से, हर साल के हिसाब से। सपोज आपको 7% मिलना है, 1 लाख रुपए आपने लगाया था, आपको 7% का रिटर्न जो है मिल गया। लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर होगा उसको इस तरह का कोई रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन जब भी कंपनी को बहुत ही बड़ा प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का सबसे बड़ा फायदा जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर को ही मिलता है। तो शेयर होल्डर का फायदा यहाँ पे ज्यादा है, राइट। आठवां नंबर पॉइंट है, अ शेयर होल्डर हैज अ क्लेम ऑन द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी एंड इज नॉर्मली रिवॉर्डेड विद बोनस शेयर, वेयर एज डिवेंचर होल्डर हैज नो क्लेम्स व्हाटसोएवर आफ्टर ही इज बीन पेड द फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो एक शेयर होल्डर का जो है एक तरीके से क्लेम होता है कंपनी की एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स के ऊपर, ऐसा प्रॉफिट जो कि कंपनी ने सालों दर साल जमा किया है उसके ऊपर शेयर होल्डर का क्लेम होता है ना। और उसको नॉर्मली जो है एक तरीके से रिवॉर्ड मिलता है बोनस शेयर का भी, लेकिन डिवेंचर होल्डर को इस तरह का कोई भी क्लेम नहीं मिलता और ना ही उसको इस तरह का कोई भी यू नो बोनस शेयर मिलता है। तो ये डिफरेंस है। आठवां नंबर पॉइंट है, डिवेंचर्स आर नॉर्मली इशूड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड आफ्टर विच दे आर रीपेड, बट नो सच रीपेमेंट इज पॉसिबल इन केस ऑफ शेयर्स, है ना। तो डिवेंचर होल्डर जो होता है वो जनरली 1 साल 2 साल या 3 साल मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए वो जो है डिवेंचर होल्डर होता है, उसी पीरियड के भीतर जो है उसको सारे के सारे पेमेंट जो है किए जाते हैं, है ना। जितना भी रीपेमेंट होता है उसको मिल जाता है। लेकिन शेयर होल्डर के केस में आपको कोई रीपेमेंट नहीं मिलता, आपको सेल करने का मन है अपना शेयर्स, आप बेचने हैं, आपको सारा पैसा जो है वापस मिल जाएगा, पर कंपनी आपको अलग से कुछ रीपे नहीं करने वाली है, ठीक है ना। नौ नंबर है, अ कंपनी कैन नॉट परचेज इट्स ओन शेयर्स फ्रॉम द मार्केट वेयर एज इट कैन परचेज इट्स ओन डिवेंचर्स एंड कैंसिल देम और रीइशू देम, है ना। एक कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट से परचेज नहीं कर सकती, इसके कुछ कंडीशंस हैं, कर सकती है पर कुछ कंडीशंस हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं कर सकती है, तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट्री हो गया। बट एक कंपनी यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि परचेज नहीं कर सकती है, वेयर एज डिवेंचर होल्डर जो होते हैं, डिवेंचर जो होता है वो कभी भी कंपनी परचेज कर सकती है अपने डिवेंचर्स को और रीइशू कर सकती है या फिर कैंसिल भी कर सकती है, ठीक है ना। तो ये आपको पता रखने हैं। दसवां नंबर पॉइंट है, लिक्विडेशन के केस में डिवेंचर होल्डर्स आर बीइंग सिक्योर्ड क्रेडिटर्स नॉर्मली गेट प्रायोरिटी इन द पेमेंट वेयर अ शेयर होल्डर्स आर द लीस्ट टू गेट पेमेंट आफ्टर ऑल द क्लेम्स हैज बीन सैटिस्फाइड। वही मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी सपोज लिक्विडिफाई कर गया, कंपनी बंद होने वाला है, कंपनी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, तो उस केस में जो डिवेंचर होल्डर के पास जो डिवेंचर्स होंगे उसके पैसे उसको पहले दिए जाएंगे, उसको पहले पे ऑफ किया जाएगा, उसके बाद अगर कुछ पैसे बच गए, अगर कंपनी के पास कुछ पैसे वैसे बचे जो कि वो शेयर होल्डर्स को दे सकती है तो ही उसको मिलते हैं, अदरवाइज वो भी नहीं मिलते हैं, वो कम्प्लीटली लॉस हो जाता है। तो शेयर होल्डर्स का जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिस्क बहुत ज्यादा है, तुमको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलता है जब भी होता है, और जो डिवेंचर होल्डर है वो एक तरीके से सिक्योर्ड रहता है ना। सो दीज आर द 10 डिफरेंसेज हैं बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।